मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को जिला मुख्यालय महासमुंद स्थित शासकीय स्वामी आत्मानंद हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं अन्य योजनाओं का राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान मचेवा स्थित हेलीपैड पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर महासमुंद प्रवास के दौरान जिले को 655 करोड़ की लागत के 223 विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस कार्यक्रम में 322 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाले महासमुंद मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य का आधारशिला भी रखी। आप सब किसान भाई मन उपस्थित हुए हो, आपो मन के मैं प्रभारी मंत्री के नाते हार्दिक अभिनंदन करत हूँ, स्वागत करत हूँ। हमर आज के जिन कार्यक्रम हैं तेन में राशि के वितरण हमर राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लेके हमर भूमिहीन न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब, गोधन न्याय योजना, परप सम्मान निधि योजना, एकर सब राशि के अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से अभी होना है आप सबके सामने में। तो आज के अवसर में मैं आप सबके स्वागत करत ये बात बड़ा गर्व से कहना चाहत हूँ कि कांग्रेस पार्टी के विरासत में हमला न्याय दिलाए के काम मिले हैं। अब वो न्याय दिलाए के काम जेकर लिए हमारे मुख्यमंत्री जी अडिग है और पूरा साहस के साथ वो काम ला आगे बढ़ा थे और वही चीज ला हमर सरकार के मूल मंत्र बनाए गए है कि न्याय। और हमला हर दृष्टिकोण से न्याय करना है, न्याय देना है। वो समझ आता है कि देश के युवा और देश के किसानों के बिना यह सपना पूरा नहीं हो सकता। देश के किसानों से राजीव जी का अटूट लगाव था। उन्होंने कहा था यदि किसान कमजोर हो जाते हैं तो देश आत्मनिर्भरता खो देता है, लेकिन अगर वो मजबूत होते हैं तो देश की स्वतंत्रता भी मजबूत होती है। अगर हम कृषि की प्रगति को कायम नहीं रख पाए तो देश से हम गरीबी नहीं हटा पाएंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राजीव जी के इन सपनों को साकार करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। इन कदमों से लाखों किसानों का आर्थिक स्तर निरंतर सुधर रहा है, उनके जीवन में उम्मीद की किरण दिखाई देती है, परिवार में खुशी का माहौल। मुझे खुशी है कि राजीव गांधी की अब आओ श्रद्धा पूर्वक हमर राजीव जी याद करा था। आवाज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरा किस्त जारी करे बर महासमुंद में हम सब उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आदरणीय चौबे जी बताइस, हमेशा किसान मन के हक के लड़ाई ये महासमुंद आरंग क्षेत्र सोत्री से आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम करके राशि वितरण के बर स्थल चयन हमन महासमुंद ला करें। कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब के पैसा ये राशि आज जारी करें हम और सबोल मिला के करीब 2055 करोड़ 60 लाख रुपया आज वितरण करे हैं, जिन किसान मजदूर गरीब गौपालक मन के खाता में आज पैसा गए हैं। जी हाँ, महासमुंद में 704 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम और साथ ही 18 नया तहसील, 13 नया अनुभाग और अब कुल मिला के
250 तहसील 122 अनुभाग हो गए। कलाकार मन भी आते राम वनगमन पर्यटन परपद भी बनाथन ते सिरपुर ल भी सजाए संवारे के काम ल हमन हाथ में लेन। तो हमर जन संस्कृति है ते हमर परंपरा हमर इतिहास है और जतका भी धरोहर है ओला सजाए के काम हमन करथन। उहें अनुसूचित क्षेत्र में जतका भी देवगुड़ी है पेन गुड़ी है ठाकुर देह है माता गुड़ी है गोटुल है ओकरो निर्माण हजारों के तादाद में छत्तीसगढ़ में चला थे। ओकरे साथ हमन अभी फैसला करें कि हमर जतक हमर मैदानी हिस्सा में अनुसूचित जाति के भाई मन बड़े संख्या में रहते हर ब्लॉक में एक मॉडल जैत खाम हम बनाए के फैसला लेहन कि हर ब्लॉक मुख्यालय में बढ़िया सुंदर जैत खाम के निर्माण हुई। तो हमर जन संस्कृति है हमर जन आस्था केंद्र है ओला सजाए संवारे के काम निरंतर चला थे। आज चर्चा एकर पहली कभू चंदखुरी के कौशल्या माता के मंदिर के चर्चा नहीं होत आज तो देश और दुनिया में चर्चा होते कांवर की भगवान मन के बहुत मंदिर सब जगह मिल जाये लेकिन कौशल्या माता के मंदिर केवल छत्तीसगढ़ में है दुनिया में और कोनो जगह नहीं है चंदखुरी आरंग में हाथ। अभी कल टेलीविजन में ऊपर कार्यक्रम होत रही ओकर पहली भी कतेक आयोजन कौशल्या माता के मंदिर सब देखे लात हजारों की तादाद में। तो ये प्रकार से आज जन हमार पहचान है सांस्कृतिक रूप से जन पहचान बनी से ओकर चर्चा देश और दुनिया में होते। तो बहुत ज्यादा वो बात न कहते हुए आप सब एकर बधाई और शुभकामना। कृषि के क्षेत्र में कौशल अमृत पटेल महेंद्र पटेल रेशम लाल नायक जगदीश नायक टंकधर चौधरी विजयनाथ निरंजन लखन बलराम दीवान आप सभी आमंत्रित हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 5 हितग्राहियों को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। नाम फिर से पुकारते हैं कौशल अमृत पटेल महेंद्र पटेल रेशम लाल नायक जगदीश नायक टंकधर चौधरी विजयनाथ निरंजन लखन जी बलराम दीवान। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना कुल हितग्राही 4 पंचायत विभाग संतोषी जांगड़े सोरम आनंदराम यादव सोरम श्री महेश कुमार साहू श्री पीताम्बर यादव। इसके बाद राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत हम आमंत्रित कर रहे हैं खेल विभाग से 4 हितग्राही। अगले क्रम पर राजीव गांधी भूमिहीन कृषक न्याय योजना के कुल 5 हितग्राही। इसके बाद मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि के कुल 2 हितग्राही। माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के प्रस्तावित कार्यक्रम जिला महासमुंद दिनांक आज 20